एम बोले तो और मम्मी के चप्पल की कसम, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, यंग डैशिंग हैंडसम हॉट हैपनिंग आई टर्नर। ये सारी क्वालिटीज नहीं होने के बावजूद इंडिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बनने वाले, और वो भी इसलिए क्योंकि इनमें टैलेंट ना बुक्की बुक्की करके कूट कूट कर भरा हुआ है, द फनीस्ट मैन ऑफ इंडिया कपिल शर्मा। यो फनीस्ट मैन ऑफ इंडिया, ये मेरी इज्जत के लिए इन्होंने देखिए कितना, ढाई रुपए के चने, ये सिंग दाना मंगाया 3 रुपए का, ये समोसे तो पता नहीं, हर किसी के सामने यही रखते हो आप। तीन एपिसोड से बाजी मैं आपको बता दूं, और ये समोसे जो है असली नहीं है, चमड़े के हैं, लेदर के समोसे हैं। खा के दिखाऊं मलिश्का तो लेदर के समोसे ही खाती है ना, ये तो खा ही सकती है, आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं। मैंने सुना है कि आप इंग्लिश लिटरेचर में मेजर हो, इज दैट ट्रू? सॉरी, हां, नो, नहीं नहीं, क्या बोला क्या? आई हैड But you've studied English so deeply that you know everything. You know what? Words, words. I have done, no, seriously, but I have done PG diploma in commercial arts. Yes. ऐसे मतलब मेरे को कहा गया था, नहीं किया नहीं मैंने, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। एक्चुअली मैं यूथ फेस्टिवल्स करता था ना, तो मैं पूरा मतलब कॉलेज लेवल पे अपने काफी फेमस था मैं, तो जब मैं कॉलेज में काफी फेमस हो गया, यूथ फेस्टिवल विन किए, नेशनल आके विन किए, तो मेरी फीस माफ हो गई कि आपको कॉलेज की फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो हमारा सबसे महंगा कॉलेज था एक पंजाब में, एपीजे कॉलेज, उन्होंने मुझे बुला लिया, कहते आप हमारे कॉलेज में पढ़ेंगे। मैं कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। बोलते कौन सी आप क्लास में एडमिशन लेना चाहेंगे? मैं कहा विच वन इज द मोस्ट महंगा डिप्लोमा? तो कहते ये है, दो डिप्लोमा है, तो ये आप करो। मेरे को कुछ नहीं पता, आज भी नहीं पता मेरे को कमर्शियल आर्ट्स में क्या हो, क्योंकि मैं ऑडिटोरियम में रहता था, ज्यादातर रिहर्सल्स ही करता था, तो मुझे पर हाँ मेरे नाम डिग्री है पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स। इंडिया की शुक्रिया जो है उस कॉलेज को थैंक यू बोलती कि उन्होंने ऑडिटोरियम में ऐसे। अरे नहीं यार, कोई नहीं, वो कॉलेज एक्चुअली ना वहाँ पे सब जितने भी स्टूडेंट्स आते थे ना, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, कोई लैंसर, उस समय मतलब बड़ी गाड़ियां लैंसर होंडा सिटी, मैं आता था तो मैं ऑटो रिक्शा में 2 किलोमीटर पहले उतर जाता था ताकि मुझे कोई एंटर करते हुए देखे। फिर एंटर करना तो मैंने ऐसे करना जैसे कि मैं पहले ऑलरेडी कॉलेज आ चुका हूँ, तो अभी मैं जस्ट काम से गया था, फोन पे बात करते करते ऐसे घुस रहा हूँ, ये वो फोन भी हमारे पास नोकिया 3310 और वो सब महंगे महंगे वाले, तो प्रॉब्लम बड़ी हुई थी मुझे वहां पे समय पर। ये है कि ठीक है, ऑडिटोरियम में रहते थे तो प्ले वाले कपड़ों में रहना, तो ज्यादा मैंने कभी पैसे पहने नहीं, कि मैं नहीं पहन सकता हूँ, लेकिन यू नो आई एम डूइंग प्ले सो आई कांट वेयर, तो लड़कियां ऐसी थी, बड़ी मेरे को शर्मिंदगी बड़ी हुई एक्चुअली। पर अभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे महंगे साड़ियां, महंगी महंगी साड़ियां, मतलब आप गिफ्ट करते होंगे ना लड़कियों को? नहीं मैं नहीं करता हूँ गिफ्ट। क्या बोल रहा, मतलब साड़ियां नहीं गिफ्ट करते हो? नहीं बाजी, अब आपको एक कंप्लीट पैकेज करना पड़ेगा, हर एक्सप्रेशन, हर हाव भाव, हर के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो पहला हमारा गेम है कपिल बन गया हीरो। अब्बास मस्तान ने मुझे पैसे भी दिए, इतना काम उन्होंने भी मेरे से करवाया। ऑलराइट कपिल बाजी ऑन द फ्लोर, एक्शन। ओके बाजी कैंसिल, बाजी कैंसिल, कपिल या बेबी आप मरने वाले हैं, पर जाने से पहले आप अंग दान की इच्छा रखते हैं। पहले सीन में पता है हमारे, जब हम लोग रीजनल चैनल पे काम करते थे ना, तो वहाँ पे जितने भी एक्टर्स होते थे, जो कोई पेमेंट मांगता था ना प्रोड्यूसर से, तो उसका बोलते इसका मरने का सीन लिखो, अगले हफ्ते से याद नहीं रहा। अच्छा सुनो ना, ठीक है जी, एक बात तो मैं करना भूल ही गई। क्या? वेलकम टू द शो, और आपके शो का नाम है किस किस को प्यार करूं। वाओ, एक बार ये कैमरा बंद करके भी करेंगे। ये ना मैं अपने को एक्टर को ऐसे मतलब हिला, अरे ये बात पता, ये इसको क्या बोलते हैं ऐसे मिलने को? इसको एयर किसिंग बोलते हैं। एयर किसिंग ना? हाँ, मेरे, बहुत नहीं, मेरे को डायरेक्ट आती है, मेरे को एयर किसिंग नहीं आती। या तो करो या नहीं करो। अरे मेरे साथ पता क्या हुआ था, मैं सीरियसली बताता हूँ। मैं कोई तो अवार्ड फंक्शन था, तो करीना कपूर और सोनाक्षी खड़ी थी, तो मैं ऐसे निकल रहा था, तो मीडिया उनकी फोटोग्राफ खींच रहा था, मैंने कहा अच्छा करीना मिल गई थी, हाँ तो अच्छा मुझे पता ही नहीं एयर किसिंग क्या होती। इसका ये भी कुछ होता है कि पहले इस तरफ से शुरू करना है, किस तरफ से? हाँ अगर आप गे हैं तो आप, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर। अच्छा मुझे लगा इस तरफ, तो मुझे लगा ही नहीं, वो इधर कर रही थी, तो मेरे को लगा शायद फ्रंट टू फ्रंट करना है ना। अच्छा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज है। नहीं अभी मुझे पता चल गया है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा काफी घूमना फिरना शुरू किया है, अभी मैं काफी अवेयर हो गया हूँ। ओके, तो आई एम डॉक्टर। नो आई एम द डॉक्टर। ओके, यू आर द डाइंग पेशेंट, आपको अंग दान करना है, कौन सा अंग है आप डिसाइड कर लो। मेरा कोट प्लीज, जरा प्लीज, हाँ एक्सक्यूज मी, मरू मैं? हाँ तो अंग दान करना है आपको, अंग दान करना है कपिल।
तुम्हें दवा की नहीं डॉक्टर दवा की जरूरत है। चुड़ैल कहीं की मैं मर रहा हूं, हेडफोन लगा के गाने सुन रही हो? पेशेंट मर रहा है और तुम बालों में कर्ल डलवा के आ गई हो? मैं तो मर रहा हूं डॉक्टर, तुम्हें भी कीड़े पड़ेंगे। सुनो सुना, मेरी माँ को बोलना फ्रिज के कवर के नीचे 70 रुपए रखे हैं, वो उठा ले। और सुनो सुना, मेरे फेफड़े किसी शराबी को दे देना। ओके। और कुछ मत देना, और कुछ है नहीं। और मेरी आंखें मत निकालना क्योंकि मुझे ऊपर जाके अप्सराएं देखनी है। और एक आधा अंग और छोड़ देना जो कोई भी काम आ जाए। मैं मर गया। दूसरा दूसरा, मैं तुम्हारी बूढ़ी बीमार लाचार कपकपाती बुनती हुई माँ हूँ। अच्छा। और तुम्हें मुझे बताना कि तुम्हारी नौकरी लग गई, क्योंकि फाइनली तुझे नौकरी लग गई। माँ 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 बेटा, अरे इधर खड़ा हो बेटा। माँ पैर छूते, अरे भाड़ में के पैर। माँ तेरे बेटे को नौकरी मिल गई माँ। चल तू दफा जा इस घर से बाहर आ जा, आज से यहाँ पे रशियन रहेंगी माँ। अरे माँ 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 मुझे नौकरी मिल गई है माँ। मैं समझ गई। अब तुझे कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है माँ, लोगों के कपड़े। अब मैं खुद कपड़े लेके आऊँ, मेरे कपड़े सिल 10 रुपए पर अंडरवेयर माँ। क्या बेटा, सब रेट्रो फिल्मों में होता था सब। क्या बेटा पाए, वरना मुझे सोच रहा, मैंने सोच रखा था कि तेरी किडनियां बेचनी पड़ेंगी। ऑलराइट, ये आजकल माएं होती नहीं पता, ये वाली सिलाई मशीन करने वाली। क्या बोल रहे हो, कहां होती है सिलाई करके बेटा, कपड़े सिल के बच्चे को इंस्पेक्टर बनाना। तो माँ खुद इंस्पेक्टर और बच्चे को टेलर नहीं बना पाती पता, कॉम्पिटिशन बहुत हो गया। तो वेरी वेल डन कपिल, मुझे ताली दो। मतलब मुझे लगता है तुम बड़े होकर कपिल शर्मा जरूर बनोगे। पर अब मेरा नेक्स्ट सीन ना मेरा फेवरेट है। क्या? मुझे हमेशा से ही करना था। क्या? क्योंकि डर, ये इमोशन, ये रस फिल्म एक्टर के लिए बड़ा जरूरी होता है। डर और हवस, तुम में डर होगा और मुझ में हवस होगा। मैं ठरकी ठाकुर और तुम अबला नारी। अच्छा, रेडी? एक्ट में तो मैं बन जाऊंगा अबला नारी। हाँ। पर जब रिस्पॉन्स रिएक्शन आएगा तो फिर तुम अबला हो, तुम मुझ पे डाका नहीं डाल सकते। मैं करूं। अच्छा, मैं ला रही, मेरे को दुपट्टा दे दो। कमसिन कली नाज़ों से पली। लाला क्या कर रहा है बहन के टके? मेरे पोमोग्रेनेट की डली, आज मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। लाला तेरी मुझे लीक हो रही है। आज ही बनवा के आया हूँ कमीनी, तुझे मूछों से क्या लेना देना, मेरे हाथों की तरफ देख। लाला चाहते क्या हो? मुंह देखो, चुम्बन। नहीं लाला, मैं चाहता हूँ चुम्बन, चाहता हूँ तुम्हारी जवानी, चाहता हूँ। कब तक चुम्बन 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 रहोगे? आगे की बात करो, चुम्बन तो मेरे बच्चे भी ले लेते हैं लाला। What is this? तुम्हारे बच्चे हैं? I'm walking down for so many years. You always ask for chumban, Lala. Disgusting, ridiculous. तुम्हारी इज्जत मेरे नाम पे कर दो, और इतने प्यार से भी मत करो, थोड़ा तड़पो ना। कैसे कर दूं लाला? मैं खींचूंगा। ऑलरेडी पहले रीसेल में है। डरती नहीं हूँ, इमोशन डर रही हूँ लाला। लाला प्लीज, लाला लाला ले लो लाला। चुड़ैल कमीनी निकल जा मेरे घर से, निकल निकल निकल। लाला आई हूं तो कुछ करना पड़ेगा लाला, ऐसे नहीं जाने दूंगी लाला। लाला की मूछों की ऐसी की तैसी छोड़ दो। नहीं नहीं मरीशा, क्या तू दुपट्टे बुट्टे पहना रही है मेरे को? क्या बात है, मैं तो मतलब लव सीन कराने वाली थी तुमसे, पर होता है क्या तुमसे डायलॉग बोल? अरे पहले पहले नहीं होता था मेरे से। मैं समझ गई। हाँ, अभी तो मैं, मेरे को क्या हुआ ना कि मेरी फिल्म में 4 हीरोइन एक्चुअली, तो मैंने डर जाता था पहले का, ऐसे किसी को पकड़ना। एली है, फॉरनर है, 2 मराठी लड़कियां, 1 पंजाबी है, सिमरन कौर मुंडी मिस इंडिया। अच्छा मुस्तान भाई ना, अब्बास मुस्तान के छोटे वाले, वैसे दिखने में शरीफ लगते हैं, है भी शरीफ। मेरे को बोलते इसको ऐसे पकड़ो नहीं, ऐसे क्या मत लड़की के तुम्हारे लिए। फिर मेरे को लगा कि ये मेरी हीरोइन है, फिर तो मैं शुरू। फिर राजस्थान में रोमांस कर रहे थे हम लोग, बाद में पता चला जहाँ पे रोमांस कर रहे थे ना हम लोग, नीचे कब्रें थी। मल्टी टैलेंटेड कपिल शर्मा, नॉट बैड। कपिल आज लोग जो है कपिल शर्मा के रेट की बात करते हैं। बाय रेट आई मीन मतलब, अरे कपिल शर्मा तो बड़ा आदमी बन गया। अच्छा। बट पीपल डू नॉट नो द कपिल शर्मा जिसने एक यू नो पीसीओ में काम किया है, या फिर क्रेट्स उठाए हैं, या फिर कपड़े के मिल में काम किया। आप कुछ बताना चाहेंगे आप उन दिनों के बारे में? अरे यार हाँ, मैं करता था, मैं एक्चुअली पीसीओ पे काम करता था मैं,
अच्छा पीसीबी पे भी कब करता था, जब पंजाब में फोक बहुत पड़ती है, सर्दी होती है तो धुंध होती इतनी कि सुबह सुबह 5 बजे खोलना पड़ता था पीसीबी को। अब तो मोबाइल आ गए बहुत सारे, तो ये 1998 की बात है। तो उस समय क्या होता था कि जब सुबह सुबह है ना 5 बजे, 5 से लेके 7 बजे तक जो ISD रेट्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स जो होती हैं, तो वो हाफ प्राइस में होती थी। तो सुबह सुबह लोग शॉल लेके नींद में आके फोन करने आते थे, तो मैं सब गाली निकलती थी मेरे मुंह से, क्यों सुबह सुबह फोन करने आते, थोड़ा लेट खोलूं पीसीओ। किया मैंने काम सारे, पर ठीक है यार, मैं इतना ढिंडोरा नहीं उसका, इसका भी लोग पूछ लेते हैं तो बता देता हूँ। पर ये है कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, किसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं। देखो अच्छी खूबसूरत लड़की होके मुझे लगा के तुम इधर इंटरव्यू कर रही हो, तो तुम्हारी लाइफ में कम स्ट्रगल है। पर हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है यार। आप देखो सनी लियोन कितना मेहनत करती है। सॉरी आप yes. काफी देख लो लड़कियां, मल्लिका श्रावत हैं, वो इतनी मेहनती हैं। हाँ. सर्दी हो गर्मी हो आपको उतना ही वो इसे मेंटेन रखने हैं, उतने कपड़े, बहुत मेहनत है। हर किसी की लाइफ में बहुत मेहनत है। इन दो को क्यों चुना आपने? यार अब मैं वही बात आ गई, सर्दी की धुंध की आ गई बात। तो धुंध में भी उतने ही कपड़े, गर्मियों में भी उतने ही। मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक बार एक मेरी गर्लफ्रेंड थी ऐसी, एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, मूवी का प्लग कर रही थी, किसने? अच्छा नहीं वो करेंगे बाद में। मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा मेरी जेब में 80 रुपए, ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं पीसीओ पे काम करता था। 80 रुपए मैंने ना बचा के रखे अपने की। अच्छा बचा 60-65 रुपए का पिज्जा, 10 रुपए की कोक, मतलब ऐसा ही था तभी। कौन से जमाने में? अरे ये 2001 की बात है, 2000 की बात है। और ये बंबई में तो नहीं है? बंबई में नहीं। हाँ। बंबई में नहीं ऑब्वियसली। ऑब्वियसली तो अमृतसर में था। मैं लड़की को ले गया ऐसे रेस्टोरेंट में, तो बोलते आप बेसमेंट में बैठ जाओ क्योंकि बेसमेंट में कम लोग बैठते हैं, तो थोड़ा अलग अलग बैठा। मतलब ठीक है, तो वहां पे तो ऐसे ही लोग तो इंजॉय करते हैं बैठ के उधर। तो मैं बैठा, लड़की पता नहीं भुक्कड़ थी क्या थी घर पे, उसने कुछ खाया नहीं था कभी। उसने क्या किया, मैंने एक पिज्जा मंगवाया, 2 कोल्ड ड्रिंक मंगाई, तो मेरे हिसाब से 70 रुपीज बिल बनता था। 10 रुपए मैंने एक्स्ट्रा टिप भी दे देंगे यार थोड़ा, है ना। तो वो उसने पिज्जा खाया चबड़ चबड़, मैं कम खाऊंगी, मैं पहले इसकी भूख शांत होने दो। उसने खाया, मैंने भी एक स्लाइस खा लिया, फिर बोलती है स्टिल फीलिंग हंगरी। फिर उसने जो फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, तो बजट शायद 20 रुपए और ऊपर गया, 30 रुपए ऐसे था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आई थिंक मेरा कुछ तो हुआ है, मैं कहा मेरे शायद पैसे, मुझे समझ भी नहीं आया कि बहाना क्या लगाऊं कि पैसे मैं स्कूटर में भूल गया हूं या पर्स भूल गया हूं, पर्स भी मेरी जेब में ही था। उस लड़की ने कुछ नहीं मुझे कहा, वो उसके बाद मुझे मिलने नहीं आई, मिलने भी नहीं आई ना, खाना भी चली गई। बोलते कि तुम, उसने ये भी नहीं कहा, बेइज्जती भी नहीं की मुंह पे कि तुम 80 रुपए लेके आए सिर्फ। तो मुझे लगा था कि शायद काफी होगा, मैंने जिंदगी में तेरी भुक्कड़ लड़की कभी नहीं देखी, तुझे भगवान माफ नहीं करेगा, तू जहां भी सुन रही है, मैंने नाम नहीं लिया है लेकिन तुझे पता और मुझे पता है मैं तेरी बात कर रहा हूँ। और हाँ। आज देख इंटरव्यू कर रही मलिष्का मेरी, पिज्जा खा बैठ के उधर लोगों के साथ, पी फ्रेंच फ्राइज खा, और शादी की होगी किसी बड़े पेट वाले से तूने। आज दिल खोल के बोल रहे मलिष्का मेरे को, मैं तू बोल कपिल, मैं तेरी दातू पाजी भी कैंसिल हो गया है, बता। स्कूटर तेरा स्कूटर मेरे स्कूटर से नया था ना उस समय, गाड़ी है मेरे पास। हाय जब भगवान करे तेरे स्कूटर का प्लग भी खराब हो जाए, तेरे सिलेंसर से वो धुआं निकले, चल बस बहुत है। कितना प्यारा है कपिल, इसकी बद्दुआएं भी कितनी छोटी सी प्यारी प्यारी होती है। अभी भी सोच लो, इतना शुक्र है कि भगवान का शुक्र करो, अभी भी तुम याद हो मुझे। आओ पिज्जा खाना है। मैंने सुना है कि एक्चुअली मुझे पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा बड़े फनी हैं, और वहां से पापा तो मेरे अभी नहीं है। हां पर मम्मी पापा बड़े फनी, पापा बड़े फनी हुआ करते। सो कैन यू टेल अस इंस्टेंसेस तुम्हारी लाइफ से, मतलब क्या ऐसे, मतलब घर पे क्या हुआ करता था? यार मेरी मम्मी मेरे पापा, एक्चुअली मेरे पापा ना, जो मैं अपने शो में करता हूँ ना, अपनी बीवी को टीज करता हूँ, तंग करता हूँ, लोग भले बोलते हैं कुछ भी, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जहाँ पे मियां बीवी होते हैं खासतौर पर इंडिया में, तो लोग कौन सा इतनी शादियां तो करते नहीं है, एक ही बार में करनी है, 7 ही जन्म, एक ही बीवी के साथ 7 जन्म। अंग्रेज उधर अलग है, वो एक ही बीवी के साथ 7 एक ही जन्म में 7 जन्म के मजे ले जाते हैं एक्चुअली वो। पर ये कि हंसी मजाक चलता रहता मियां बीवी में। मेरे पापा जो थे वो मेरी नानी की वो बड़ा इमिटेट किया करते थे, उनकी नकल उतारनी कि तेरी माँ आ जाती है रोज मुंह उठा के ऐसे, तो मैं एंजॉय करता था, तो वो हंसी मजाक में करते थे। मेरी मम्मी इतनी फनी है, मैं उसको मम्मी को बोल दो ना अगर आपकी कैमरा लगा हुआ, फिर वो फनी नहीं है, फिर उसका ध्यान माइक पे चला जाता है, हेलो जी मैं इसकी मम्मी हूँ, उसको बताओ मत मम्मी को। अभी मैं ना अभी लाफ्टर चैलेंज विन किया ना, ये 4-5 साल 6 साल 7 साल पहले की बात है, तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी ऐसा है तू ना अभी वो खुद सब्जी खरीदे मत जाया करो, वो जाता है मुन्ना है लड़के घर पे है वो जाता है उसको दिया करो, नहीं वो पैसे बीच में से मार लेता है,
मैं कहा मम्मी अब 10-5 रुपए थोड़ी ना सोच रहे हैं। फिर मैं कहा मम्मी एप्पल खा रही हो? डॉक्टर ने कहा था क्योंकि मैं अमृतसर कम जा पाता हूँ, तो कहती नहीं एप्पल तो आजकल आ ही नहीं रहे। ये उन दोनों की बात है, एप्पल थोड़े से महंगे हो गए थे, 150-200 रुपए किलो हो गए थे। तो मैंने कहा इसको लेके जाता हूँ, मैं 5 किलो एप्पल ला के देता हूँ, 2-3 महीने बाद आऊंगा, मुझे पता तब तक चला लेगी। अच्छा फ्रूट वाले के पास मैं खड़ा हूँ, तो वो ऐसे सड़क के पास ना रेडी लगी होती है, काफी सारा फ्रूट ही है वो। तो मम्मी बार्गेनिंग नहीं करनी, कम नहीं करवाना है ना, कम कर देगा तो कितना, 5 रुपए कम कर देगा, 1 किलो के पीछे 5 किलो के पीछे 25 रुपए कमा लेंगे, तो नहीं करना। तो बोलती ठीक है। अच्छा इतनी देर में ना वो सेब तोल रहा है, सेब तोल रहा है, तो मम्मी कहती है ठीक ठीक लगा लो, 5 ले रहे हैं। मैं कहा मम्मी, मैं कहा नहीं भैया कोई बात नहीं। वो तो वो भी बोल रहा है अरे बहन जी इतने में तो आजकल घर पे पड़ते हैं, कोई बात नहीं। तो इतनी देर में एक चूहा निकला मोटा सा, तो चूहे मैंने यूजली इतना मोटा देखा नहीं कभी, रैट। मैंने कहा अच्छा यार फ्रूट शॉप पे रहता है, मैंने कहा भाई ये चूहे बड़े मोटे मोटे तेरी दुकान में घूम रहे हैं, मैं कहा फ्रूट फ्रूट खाते होंगे तेरा? मम्मी कहती हाँ जो 5 रुपए नहीं कम कर देता चूहों को खाने देता होगा ये। मैं मम्मी का ना इनोसेंस में जो ह्यूमर निकलता है वो बहुत फनी है, शी इज वेरी फनी। करेक्ट। अच्छा जब तुम अमृतसर जाते हो ये सेब वे 5 किलो मम्मी के लिए खरीदने के लिए, तब जब कम वम कराती है मम्मी तो भाजी वाला बोलता नहीं कपिल? अभी नहीं कराती, अभी तो मैं बॉम्बे में रखा हो ना मम्मी को, तो मम्मी अभी वो आया सब्जी वाला, मम्मी को हिंदी नहीं बोलनी आती उसको, आगे वो कोई मराठी में बोल रहा है बेच रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो वो बार्गेनिंग हो ही नहीं पाती। खैर वो अभी तो खरीदती भी नहीं है, पर मम्मी मेरी अभी स्टार हो गई खुद, क्योंकि शो में बैठती है मम्मी, तो शाम को निकलती मम्मी तो मैंने देखा पहले ऐसे सैर करने निकलती, आजकल थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के जाती, तो मैं थोड़ा तैयार होके जाती हूँ। मैं कहा चलो गुड, अच्छा यार मेरी माँ पॉपुलर हो रही है ट्विटर पर, फेसबुक पर, जब लोगों को पता चला कि आप और मैं मिल रहे, तो उन्होंने सवालों की बौछार खड़ी कर दी। रेडी? या प्लीज। रेडी, ओके। तो हैप्पी सिंह ने जालंधर से लिखा है कि मेरी बीवी ने मेरे व्हाट्सएप पर मेरी गर्लफ्रेंड का भेजा हुआ आई लव यू पढ़ लिया है, क्या करूं? हैप्पी सिंह भाई साहब अब आपको कुछ नहीं करना है, वो जो करेगी वो मिसेज हैप्पी सिंह करेगी। हैप्पी सिंह अब अपना नाम चेंज करो, अनहैप्पी हो जाओगे अब तुम। हैप्पी सिंह व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मैन नाउ, व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्सएप, अभी तुम्हारा करेगी वो व्हाट्सएप अलग करेगी, आपको अलग करेगी, ऐसा अपडाउन आएगा ना लाइफ में, ये सब करना बंद करो अगर बीवी है तो। खुद चार चार पाल रहे हो और उनको दे रहे हो। फिल्म में वो, फिल्म में तो ठीक है, रियल लाइफ में कहां आदमी के वाट लग जाए आदमी की। पर रियल लाइफ में तुम बड़े सीधे साधे हो क्या, मतलब वन वुमन मैन? या एट अ टाइम। झुमरी तलैया से बंटी ने ट्वीट किया है कि मैं घर जाने से पहले, झुमरी तलैया कौन सी स्टेट है भी? मुझे क्या पता, कहीं तो कहां है झुमरी तलैया, खुद ही बनाए क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, झुमरी तलैया, झुमरी तलैया है ना, जबलपुर है, जबलपुर, सॉरी जबलपुर एमपी। ऐसे नहीं मुझका, तुम हॉट आरजे हो, बहुत जल्दी ट्वीक करती हो सिचुएशन को। ओके जबलपुर से किन्होंने लिखा है? जबलपुर से बंटी। अच्छा चलेगा, बंटी तो होते नहीं जबलपुर में। व्हाट रबिश, बंटी दुनिया कहीं पे भी, दुनिया में खड़े रहकर पत्थर पे को बंटी के सर पे गिरेगा। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं। बंटी जी जबलपुर से क्या लिख रहे हैं? बंटी जी जबलपुर से ट्वीट किया है उन्होंने, अच्छा, कि मैं घर जाने से पहले लेडीज परफ्यूम का स्मेल कैसे हटाऊं? क्यों लगाते क्यों? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब उनके सेट पर लग जाता है उनके, मतलब यू नो यहाँ पे काम करते हैं यहाँ, लड़के उससे ज्यादा मिलते हैं, तो परफ्यूम लगा, उनका परफ्यूम जो है उनके आता है। हाँ। उनको बोलो, देखो डिपेंड करता है, अगर बाहर आपका किसी के साथ अफेयर है, जो भी वो परफ्यूम यूज करती है सेम परफ्यूम बीवी को लाके दे दो, ताकि जब आप समझ गए। बाकी मतलब करियर ऑप्शंस कितने हैं तुम्हारे पास कपिल? और फाइनली चिंच पोकली, तो तुम्हें पता है ना वो यहीं पे पढ़ता है। चिंच पोकली से सुधा ने स्काइप किया है और उसने कहा है कि उनके पति के जेब से 2 मूवी टिकट्स निकले हैं, लेकिन वो तो उनके साथ मूवी देखने गई नहीं, तो क्या पता देखने जाना उनके साथ अभी। नहीं नहीं, पुरानी मूवी टिकट मिली ना, पुरानी मूवी टिकट मिली, तो सुधा जी क्या चाहती है? अब वो पूछ रही है कि क्या लाइफ की फिल्म खराब करना चाहती है? सुधा जी जो आपके दिल में है करिए, उसको भी पता होना चाहिए, जो मूवी देखा है तो टिकट जेब में क्यों रखता है, उनको देख के आता, वहां फाड़ के आता, अगर आपको ऐसे ही ये सब करना है घटियापा। अच्छा हाँ सीधी सी बात है भाई, अगर घर में बीवी है दूसरे के साथ फिल्म देखो, क्या पता दोस्त के साथ गया हो यार, ऐसे भी तो हो सकता है। ये टिकट के ऊपर क्या फीमेल मेल लिखा रहता है क्या? लिखा तो फिर परफ्यूम की खुशबू आ रही होगी। हाँ वो चेक करो कि टिकट के ऊपर नंबर कौन सा, कॉर्नर सीट तो नहीं थी? कॉर्नर थी तो आपके पति जो है वो आपको चीट कर रहे हैं, माँ बहन कर दीजिए उसकी। ओके नाउ कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, ना मत बोलो यार ये। अगर कोई चीज वर्ल्ड फेमस है तो लाइक वी सेड वो है कपिल शर्मा की अंग्रेजी,
इस शो के बिगिनिंग में ही एंड आई नो यू हैव इट इन यू आई हैव स्पोकन टू यू इन इंग्लिश वेरी मेनी टाइम्स एंड आई नो यू कैन डू व्हाट आई एम अबाउट टू डू यू. मैं तुम्हें हिंदी में मुहावरे देने वाली हूँ, तुमको उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है. ओके रेडी? मैं तो इंग्लिश में जवाब दे दूंगा, तुम समझ जाओगी ना. हाँ हाँ ओके. मैं जानती हूँ कि कनाडा वनेडा में तुम्हारी अंग्रेजी समझ गए थे लोग, तो मैं तो यू नो तुम्हारी घर की खेती की हूँ. या प्लीज. काला अक्षर भैंस बराबर. काला अक्षर भैंस बराबर. इंग्लिश द ब्लैक वर्ड इज इक्वल टू भैंस. यू वांट टू ट्राई अ सब्स्टिट्यूट फॉर भैंस? सब्स्टिट्यूट ब्लैक वर्ड. ब्लैक वर्ड इज इक्वल टू द वाइफ ऑफ मिस्टर काला अक्षर इज इक्वल टू बफेलो. ब्लैक अक्षर ब्लैक वर्ड एक आदि हिंदी में निकल जाता है. ब्लैक वर्ड इज इक्वल टू ब्लैक बफेलो. ब्लैक एक्स्ट्रा हो गया ब्लैक बफेलो. ओके. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. द डाउन साइड थीफ इज येलिंग एट पुलिस. हिम्मत हिम्मत उसकी. या वेरी गुड. डिस्गस्टिंग. दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. कमांड इज बर्न बाय द मिल्क इज ऑफन यूज्ड टू तो बटर मिल्क. एज आई एम आई रॉन्ग? यू वांट सब्स्टिट्यूट? यस इफ यू वांट टू. सेम द अर्लियर वन आई यूज्ड. Okay, and this is the final one. Okay. ये आपकी फिल्म से मिलता जुलता है. Hell hath no fury like a woman scorned. ये तो ऑलरेडी इंग्लिश है ना. हाँ. तो इसको क्या करना है? हिंदी में करो. दोबारा बोलना जरा. Hell hath no fury like a woman scorned. Just disgusting and ridiculous. कुछ तो बुरा हो रहा है मतलब. हाँ हाँ हाँ. मतलब औरत वाट लगा देगी अगर उसको गुस्सा दिला दे. वही तो ridiculous disgusting. Okay. Now, जो समझने वाले वो समझ गए. Now that you've done this, my friend, we're going to turn it around. दूसरी direction में भी गंगा बहती है. तो अब मैं इंग्लिश में लाइन्स दूंगी और तुम इसको हिंदी में कन्वर्ट करो. Okay. और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इसको फुल एक्सेंट में दूंगी. Okay. I'm very helpful like that. Yeah. You ready? Your first one. Hey, dude, what's up? Hey, dudes, what's up? इसको हिंदी में. Hey, hello, दोस्त ऊपर क्या है? दोस्त. यस दोस्त. वी गोना रॉक. ड्यूड को बोलते हैं. ड्यूड 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 इट्स अंग्रेज लोग इतना परेशान करते हैं ना. सॉरी हमने इतनी मुश्किल से सीखा, अभी अपोलोजीज कर दिया. क्यों? मतलब तो एक ही है. हाँ.